कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 17 में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। जनरली सारे कंप्यूटर में जिस मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी के बिना हमारा कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी हमारी है। प्राइमरी मेमोरी हमारी एक रैम होती है, रोम भी हमारी प्राइमरी मेमोरीज में आती हैं। तो यहाँ पर हम इनको एक एक कर समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है हमारा। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम के बारे में। जो रैम है ये हमारी मेन मेमोरी होती है, यानी कि इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसको, और इसको सिंपली मेमोरी भी कहते हैं। अगर मैं कहीं पर ही वर्ड यूज़ करता हूँ मेमोरी, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है हमारी रैम से। तो रैम क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। रैम का मतलब यहाँ पर जो RAM, ये सारे ही हमारे कैपिटल में लिखे हुए हैं, तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी की खासियत ये होती है कि हम इसको रैंडमली यानी कि कहीं से भी ये मेमोरी से कोई भी डाटा हमारा CPU उठा सकता है और कहीं पर भी वो डाटा रख सकता है, इसलिए हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो CPU है वो उस मेमोरी लोकेशन में जहाँ पर भी हमारा डाटा रखा हुआ है, इस लोकेशन में रखा है या इसमें या इसमें या इसमें, किसी भी लोकेशन में डाटा रखा हुआ है, CPU जो है वो इस डाटा को यहाँ से उठाकर अपने पास ले जाता है और फिर उसके बाद में इसको कहीं रख भी सकता है। तो ये इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि ये यहाँ से उठाएगा फिर यहाँ से फिर यहाँ से, ऐसा नहीं है। ये कहीं से भी बीच में से उठा सकता है, ये वाला उठा सकता है, ये उठा सकता है, और भी हमारी मेमोरी लोकेशन है उनमें से कहीं से उठा सकता है और कहीं पर भी रख सकता है। क्यों उससे क्या होता है कि ये हमारा जो एक बॉटल नेक की सिचुएशन पैदा होती है, कि बॉटल नेक क्या होती है, बॉटल नेक हम समझते हैं, ये हमारी एक बॉटल है, ये हमारी बॉटल है मान लीजिए। अब हमने इसमें मान लीजिए कोई चीज़ डाली है, कुछ पत्थर डाले हैं, अब ये हमारा नेक फुल हो गई। हम चाहते हैं कि ये वाला जो पत्थर है इसको हम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इनको बिना हटाए हमें ये वाला पत्थर निकालना है, तो उसके लिए हमने इस रैम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमें ऊपर वाला कोई भी चीज़ छेड़ने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा ये वाला डाटा या हमारा ये पत्थर ऑटोमेटिक निकल कर आ जाए और ये वाली जो बाकी की चीज़ ऊपर का जो पोर्शन है उसको हमें छेड़ना ना पड़े। इसलिए हमने ये CPU को जो डाटा चाहिए वो अपने यहाँ उठा के ले जाता है, वो चाहे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हमारा इस तरीके से जो पहले आया है वो डाटा ज़रूरी नहीं है वो उठाए, जो लास्ट में आया है हो सकता है उसी को सबसे पहले उठाना हो, या जो बीच में कोई डाटा है उसको उठाना है। तो हमारे CPU को किसी भी ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं है सिक्वेंस की कि जिस तरीके से डाटा हमने पहुँचाया है उसी तरीके से उसको उठाना है। तो इसको हम कहते हैं रैंडमली एक्सेस। तो हमने इसको किसी भी जगह से CPU उसको डाटा उठाता है और उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद में उसको रैम में दोबारा से ट्रांसफ़र कर देता है किसी और लोकेशन पे जहां पर उसको वो लोकेशन खाली मिलेगी। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि CPU को रैंडमली कोई डाटा उठाना है तो वो वहां पर हमने रैम को लगाया है जिससे कि हमारे CPU को उस काम को करने में कोई भी अड़चन ना आए या उस काम को लेने में उसको कोई रुकावट पैदा ना हो। तो उससे क्या होगा कि हमारा CPU जो है वो फास्ट हो जाएगा और हमें उस काम का जो आउटपुट मिलना है वो तुरंत ही हमें आउटपुट मिल जाएगा।
तो ये हमारा जो रैंडमली एक्सिस है वो आपकी समझ में आ गया है। अब हम इसकी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो लेके चलते हैं, वो है इसकी वॉलेटाइल। एक इसका नेचर है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है कि जब भी हमारा डाटा रैम के अंदर होता है, कोई डाटा हमारा रैम के अंदर है, किसी भी तरीके का डाटा 10011 कोई भी डाटा हमारा रैम के अंदर है, तो जब इसमें जब तक इसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी, पावर जब तक इसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी तब तक हमारा रैम में जो डाटा है वो हमारे रैम में रहेगा मौजूद, और सीपीयू उस डाटा का जो भी प्रोसेस करना है उस डाटा से प्रोसेस करता रहेगा। सपोज़ कीजिए हमारी पावर सप्लाई कट हो जाती है, यहाँ हमारी पावर चले गई, अब इस रैम में जो डाटा है वो हमारा डाटा हट जाएगा, वो डाटा हमारा अब हमें नहीं मिलेगा। ये इसका एक वॉलेटाइल नेचर है। तो अगर आप देखेंगे कि पावर सप्लाई चले जाने पर रैम में जो भी डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, वो हमें नहीं मिलेगा, तो ये होता है वॉलेटाइल। जब तक हमारे सीपीयू में पावर सप्लाई चलती रहेगी, रैम में पावर रहेगी, हमारा डाटा वहाँ पर रहेगा, और हमारा सीपीयू जो भी प्रोसेस करने के लिए हमने जो भी काम दिया है अपने सीपीयू को, वो रैम से डाटा उठाकर उस पर प्रोसेस करता रहेगा और रैम में डाटा दोबारा लाकर रखता रहेगा। इसमें जो भी डाटा होता है वो परमानेंटली, यानी कि परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, उसके लिए हमें दूसरे मीडियम्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हमारी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, हमारी मैग्नेटिक टेप, हमारी सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ये सारी क्या है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, जहाँ पर हम डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। हमारा डायरेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनसे इंटरेक्शन नहीं करता है, हमारा सीपीयू डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है रैम से, क्योंकि हमें जनरली क्योंकि हमें डाटा कहाँ से लेना होता है, रैम से। रैम से सीपीयू उस डाटा को प्रोसेस करता है और रैम में दोबारा से वापस कर देता है, फिर रैम से हम उस डाटा को अगर परमानेंटली सेव करना है तो उसको हम किसी और स्टोरेज में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वॉलेटाइल जो इसका नेचर है। जो रैम होती है वो हमारी महंगी होती हैं कंपैरेटिवली सेकेंडरी स्टोरेज के। रैम को हम रीड राइट स्टोरेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम डाटा लिखते भी हैं और वहाँ से डाटा पढ़ते भी हैं। तो ये कुछ हमारी रैम की इन्फॉर्मेशन थी। अब आप रैम के बारे में जान चुके हैं, अब मैं अपने अगले टॉपिक पर चलता हूँ जो है हमारा रोम। रोम क्या होती है? रोम का यहाँ पर नाम मैंने लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी। रीड एंड ओनली मेमोरी से हमारा यहाँ मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी में हम डाटा सिर्फ ये जो भी इंफॉर्मेशन हम रखना चाहते हैं वो सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें हम राइट नहीं कर सकते। तो इसका जो नेचर है वो नॉन वॉलेटाइल है। इसका जो नेचर है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि इसमें जो डाटा होता है पावर सप्लाई चले जाने के बावजूद भी इसमें वो डाटा सेव रहता है, रैम की तरह डिलीट नहीं होता है। तो ये जो मेमोरीज होती हैं ये हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर, ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए हमने माइक्रो प्रोग्राम्स बनाने पड़ते थे। तो या तो हम हार्डवेयर बनाएं, उसकी सर्किट डिज़ाइन करें, उसकी जगह पर हमने माइक्रो प्रोग्राम्स बनाए जो कि हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते थे जो कि कंप्यूटर को बार बार ज़रूरत पड़ती है उन प्रोग्राम्स को यूज़ करने की। तो उसके लिए हम जो माइक्रो प्रोग्राम्स हमने बनाए वो लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और ये आपकी जो रैम होती हैं जो रोम होती है वो हम उन माइक्रो प्रोग्राम्स से उसमें डाटा लिखते हैं जो हमें रिपीटिटिवली बार बार जिस डाटा की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को। अगर हम उन माइक्रो प्रोग्राम्स को नहीं बनाते हैं तो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर को डिज़ाइन करना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए हमने रोम ईजाद की। जब आप अपना सिस्टम चालू करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे पहला डाटा हम लोग
तो जो हमारी रोम होती है वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ पर हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, रोम में हम डाटा राइट नहीं कर सकते, यानी कि उसमें हम कोई डाटा लिख नहीं सकते। क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी होती है तो इसमें जो भी हम डाटा लिखते हैं, यानी कि वो हम लोग नहीं लिखते हैं, वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वही लोग इसके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, उनको बनाते हैं और वही वो उसमें डाटा राइट करते हैं। जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर में जब हम बूटिंग चालू करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमारी ना रैम से आते हैं, ना हार्ड डिस्क से आते हैं, ना हमारी किसी आउटर सोर्स से आते हैं, वो हमारी जो कंप्यूटर की रोम होती है उसमें जो प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इस वजह से हम उन प्रोग्राम्स को रोम में लिख कर देते हैं। हमारे कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनिंग है वो सारी हमारी हार्डवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर होती है, उसका जो हार्डवेयर होता है उस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को हमने एक रोम बनाई जिसमें उन प्रोग्राम्स को हमने उसमें राइट कर दिया, जिससे कि हमें हार्डवेयर लाइंस की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो जो लाइंस हार्डवेयर है वो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और वो हमारा कंप्यूटर जिन रिपीटेटिव इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है वो रोम से उठा लेता है। उससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो करप्ट भी नहीं होता, क्योंकि जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो हमारी उसको हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारा प्रोग्राम जो है वो करप्ट नहीं होता है। और जब भी हमारे सिस्टम को उस फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले रीड ओनली मेमोरी पर जाता है, वहाँ से डाटा लेता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और आगे का प्रोसेस हमारा कंप्यूटर का चालू हो जाता है। तो इसलिए हमें रोम ज़्यादा आसान सस्ती पड़ती है कंपैरेटिवली हार्डवेयर उसके लिए डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना दूसरे टॉपिक पर जो है पी रोम। एक्चुअली में ये भी है ही एक तरीके की रोम, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये प्रोग्रामेबल रोम है, यानी कि अगर आप यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर मान लीजिए किसी ने बनाया और कोई उस कंप्यूटर को दूसरा बंदा बेच रहा है तो उसको अपने कुछ उसमें इंस्ट्रक्शंस डालने हैं, अपना कुछ डाटा उसमें ऐड करना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह सरकार में जब हमारे पास सिस्टम लोगों को बांटे गए थे तो वहाँ पर एक लोगो या एक इमेज जो कि मुलायम सिंह की सरकार से रिलेटेड वहाँ पर शो होती थी, तो उसका मतलब क्या है कि वो डाटा हमारा ना तो हार्ड डिस्क में था ना हमारे रैम में था, वो डाटा हमारा रोम में था। चूँकि वो रोम जो है वो प्रोग्रामेबल रोम थी, यानी कि उस रोम को प्रोग्रामेबल रोम उन लोगों ने लगाई थी जिससे कि वो डाटा उस वाली रोम में ऐड कर सकें। लेकिन ये भी जब हमारी प्रोग्रामेबल रोम जो होती है वो एक बार जब प्रोग्राम हो जाती है तो वो भी एक तरीके से रोम ही बन जाती है, उसमें हम दोबारा से प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, उसमें हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि मैं उसमें दोबारा राइट कर लूँ तो आप राइट नहीं कर सकते, ना ही कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी मैन्युफैक्चरर है वो भी उसको राइट नहीं कर सकता। तो यानी कि जो पी रोम है हमारी वो एज ए रोम ही काम करती है जब हम उसमें डाटा राइट कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ी वो मैंने आपको बता दिया है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है बाकी जो भी इसके फंक्शन हैं जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रोम जैसी ही हैं, कुछ नया नहीं है, सिर्फ इसमें एक यही है कि इसको हमें प्रोग्राम दोबारा से ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ गई जो हमें कुछ उसमें ऐड करना था तो हमने एक अलग टाइप की रोम बना ली जिसको हमने पी रोम दिया नाम, उसमें डाटा लिख दिया, उसके बाद में वो रोम बन गई दोबारा से, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। वो एज ए वो कैसे काम करेगी, जस्ट लाइक रोम, रोम की तरह ही काम करेगी। हमारा नेक्स्ट है ई पी रोम क्या है। हमारी रोम तो रोम ही हो गई, पी आपने समझ लिया प्रोग्रामेबल रोम है और ई से हमने लिया इरेजेबल रोम, कि ये जो प्रोग्रामेबल रोम है वो इरेजेबल है, इसमें डाटा हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन
ये भी हमारे या आपके लिए नहीं है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए है, जहाँ पर जो कोई रिसर्च कर रहा है बंदा उसको बार बार प्रोग्राम लिखना है, बार बार उसको टेस्ट करना है, फिर उसमें कोई अगर चेंजेस करने हैं तो उसको वो वहाँ चेंज करेगा, फिर दोबारा से वो उसको रीड करेगा, राइट करेगा। उससे क्या है कि उन लोगों को बार बार एक ही चीज़ को रीड राइट करने में सुविधा मिल गई, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं EPROM का। तो इसके लिए वो EPROM रीडर होता है, उस EPROM रीडर से वो डाटा उसमें इस वाले EPROM में डाटा चेंज करते हैं, जबकि EROM में अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उसको डाटा इरेज और राइट किया जा सके। आज की कंप्यूटर फंडामेंटली क्लास में हमने प्राइमरी मेमोरीज़ के बारे में पढ़ा है, अब हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कैशे और रजिस्टर के बारे में। तो कैशे क्या होती है, रजिस्टर क्या होते हैं, उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।